गाइस देखो इसका जो पन्नी है वो किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो गाइस ये है एक मार्केट से लाया हुआ स्पीकर जो कि 50-60 रुपए का है। एंड गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐसे ही एक स्पीकर को घर के अंदर बनाने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इजी वे के अंदर बनाने वाले हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को भी लगता होगा कि स्पीकर को जो है वो घर पे नहीं बनाया जा सकता है या फिर स्पीकर को बनाने के अंदर काफी ज्यादा झंझट लगती है और ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसे स्पीकर को घर के अंदर बनाने वाले हैं जो कि एटलीस्ट बजता हो और उससे कुछ ना कुछ साउंड आता हो। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक बटन जरूर से दबा देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्पीकर बनाने के लिए हम लोगों को मेनली चाहिए होता है एक कॉपर की कॉइल एंड दूसरा मैग्नेट, बस इतनी ही चीज़ें चाहिए होती है, दो ही चीज़ें चाहिए होती है मेनली। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग के पास है यहाँ पे कॉपर वायर बहुत ही ज़्यादा पतला वाला, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हम लोग को एक चाहिए पेन जिस मोटाई का आप लोग के पास मैग्नेट हो उस मोटाई का आप लोग को ये ले लेना है, ठीक है, पेन वगैरह या फिर कुछ भी ले सकते हो यार, लकड़ी वगैरह। और साथ ही हम लोग को चाहिए एक पन्नी का पीस, और ये क्यों चाहिए मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, ठीक है। तो अब इस पन्नी को हम लोग को इस पेन के ऊपर कुछ इस तरीके से लपेटना है हल्के से ही, एंड इसके ऊपर हम लोग को थोड़ा सा वायर इस तरीके से छोड़ के एंड देन इसके ऊपर हम लोग को टर्न्स लेना है, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा पास होने चाहिए कुछ इस तरीके से, और लगाते जाना है, ठीक है, फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने लगभग इसके अंदर 50-60 घेरे बना दिए हैं। अब इसके ऊपर से हम लोग क्या करना है, हल्का हल्का सा फेविक्विक डालना है कुछ इस तरीके से। तो गाइज ऐसा होता है कि जो लोग बनाते हैं स्पीकर्स को तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके अंदर में कुछ साउंड के क्वालिटी के लिए कुछ परफेक्ट जो टर्न्स होते हैं वो होते हैं, बट हम लोग कुछ ऐसा बना नहीं रहे, हम लोग बस ऐसा बना रहे हैं जो कि एटलीस्ट बजे। तो गाइस यहाँ पे जो हम लोग की कॉपर कॉइल है वो कुछ इस तरीके से बन चुकी है, एंड ये जो पन्नी लगाने का रीज़न था वो बस इतना सा ही है कि अगर हम लोग डायरेक्टली इसके ऊपर लपेट देते या फिर पेपर ही लपेट के अंदर इसके ऊपर से लपेटते तो जो फेविक्विक के थ्रू है वो चिपक जाता इसके ऊपर, बट अब जो है ये पेन के ऊपर चिपकेगा नहीं और ये ईजिली अगर आप लोग इसको खींचो तो ये निकल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से देखो भाई, और ये निकल गया, ठीक है, यहाँ पे दब गया हल्का सा, इसको हम लोग सीधा कर देंगे इसको राउंड के अंदर, और देखो उसके बाद हम लोग की जो पन्नी है वो भी निकल जाती है, और ये कितना ही प्यारा सा हम लोग के पास एक कॉपर का कॉइल बन चुका है हम लोग के पास। वो आप लोग को बता दूं कि ये जो कॉपर का वायर है वो इंसुलेटेड है, यानी कि इसके ऊपर कोटिंग चढ़ी हुई है, आप लोग कोई सा भी ख़राब हो जो ट्रांसफार्मर वगैरह छोटा छोटा होता है लाइट वायर बल्ब के अंदर तो उसको निकाल सकते हो, उसके अंदर से ये कॉपर का वायर आप लोग को इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब इस कॉपर वाले कॉइल को हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके की एक छोटी सी पन्नी के ऊपर इस तरीके से चिपका लेंगे। यहाँ पे जो वायर निकलते हैं हम लोग के पास दो, उन दोनों की मैंने कोटिंग हटा दी है माचिस की हेल्प से, हल्का सा मैंने इसको हीट करा तो इसकी जो कोटिंग है वो जल के खत्म। तो अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को ले लेना है कुछ इस तरीके का कैप बॉटल का, जिसको कि मैंने आधे पे से काट दिया, और इसको इसलिए काटा है क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे दो मैग्नेट्स हैं जो कि इसके अंदर बिल्कुल ही यहाँ पे मिड के अंदर हम लोग को चिपकाना है, और उसके ऊपर से हम लोग को ये वाला जो कॉपर का कॉइल जो मैंने बनाई थी उसके अंदर का जो बीच का गैप है वो इतना है कि हम लोग इसको इस मैग्नेट के अंदर डाल सकते हैं, एंड जो ये कॉपर कॉइल है ये मैग्नेट के अंदर जाने के बाद फ्रीली यहाँ पे मूव करेगी, तो साउंड बेस वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को इसको वाइब्रेट कराना पड़ेगा। तो पहले बनाते हैं फिर आप लोग को आगे समझाऊंगा, एंड यहाँ पे इसके ऊपर डाल के एंड फिर इसके तरीके से रख के और फिर मैं इस पर टेप लगा दूंगा, ठीक है। तो फटाफट से ही शुरू करते हैं काम को, इसको बीच में चिपकाएंगे पहले। तो वैसे एक चीज़ रह गई थी कि मैं ये चुंबक कहाँ से लाए हूँ, तो ये चुंबक मैंने जो एयरफोन होते हैं तार वार वाले पुराने ज़माने वाले हम लोग के उसके अंदर से मैंने तोड़ के निकाला है, तो उसके अंदर ये होता है, हाँ वो सिल्वर कलर का न्यूरेनियम मैग्नेट होता है, बट ये वाला काला है क्योंकि ये जो मेरा हेडफोन था वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का था। तो फटाफट से ही काम को शुरू करते हैं, चलो। सो गाइस यार अब मैंने इसके ऊपर टेपिंग कर दी है, बट यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा टेप और पन्नी इस साइड में निकल रहा है, तो इसको हम लोग ध्यान से काटेंगे बस। हाँ अपना वाला जो कॉपर का वायर दो मैंने पतला पतला निकाला है और आप लोग को भी निकालना है, उसको बस काट के अलग मत कर देना वरना सब गुड़ का गोबर हो जाएगा। गुड़ का गोबर कैसे होता है पता नहीं, बट ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कैसे होता है पता नहीं लेकिन हो जाएगा। तो फटाफट से इसको अच्छे तरीके से कट करते हैं और बस कटना जाए तार हम लोग का। अरे वो काट दिया क्या, एक काट दिया, फटाफट से ठीक करता हूँ और फिर मिलते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम लोग का जो स्पीकर है वो फाइनली रेडी हो चुका है, एंड जो हम लोगों ने दो वायर्स निकाले थे उसके अंदर मैंने यहाँ पे ये दो बड़े रेड वायर जोड़ दिए हैं ताकि ये अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाए, और वो जो वायर है मैं आप लोग को बता रहा था कि इसको काटना नहीं है और मैंने काट दिया खुद क्योंकि ब्लेड जो थी वो काफ़ी ज़्यादा साफ थी, तो
इसके लिए मैंने इसको किया, बट पन्नी हल्का सा फट गया है। मैंने बोला इतनी मेहनत करने से अच्छा आप लोग को दिखा दिया जाए ऐसे ही, क्योंकि ये काम करेगा, मुझे पता है ये काम करेगा और मैं कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा हूँ क्योंकि ये काम करने वाला है। तो फटाफट से हम लोग को इसको बजाना है, तो बजाने इसको बढ़िया तरीके से प्रॉपर से म्यूजिक सुनने के लिए हम लोग यूज़ में लेने वाले हैं इस एम्पलीफायर मॉड्यूल का, या फिर ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है स्पीकर का उसका। एंड इसके अंदर कोई सा भी स्पीकर नहीं लगाया हुआ है। एंड यहाँ पर मैंने दो बैटरी इसलिए यूज़ करा है क्योंकि ये वाली जो बैटरी है वो डेड हो चुकी थी इसी का, तो उसको मैं रिपेयर करने के लिए मैंने निकाला था। तो मैंने सोचा कि इसी ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज़ कर लेना, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, स्पीकर के दो वायर्स हैं ब्लैक एंड रेड, तो इसके अंदर हम लोग कनेक्ट करते हैं इसको सिंपली कुछ इस तरीके से। एंड अब देखना मैजिक भाई, ये इतना ज़्यादा सिंपल स्पीकर, देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। मुझे तो पता है कि काम करेगा, अब आप लोग को दिखाना है कि ये जो चीज़ है वो काम करती है। इस तरीके से करना है, और ये जो पन्नी है वो फट गई है तो आवाज़ थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं आएगी आवाज़ में, बट आवाज़ सुनाई देगी वो बड़ी बात है। यहाँ पे देखो, ऑन करता हूँ मैं इसका स्विच, देखो गाइस आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। और अब किसी फ़ोन को कनेक्ट करते हैं वाला अपना, और यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ वाला ऑप्शन डाल दिया है और माइक यहाँ पे रख रखा हूँ, थोड़ा इधर दिखाना, माइक मैंने यहाँ पे रख रखा है ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आवाज़ में आए, ठीक है थोड़ी सी। तो फटाफट से इसको ऑन करते हैं, ये देखो ये डिवाइस है। तो गाइज ये देखो आई आवाज़, अब कनेक्ट हो चुका है हम लोग का ये ब्लूटूथ मॉड्यूल। थोड़ा ऊपर से दिखाना, थोड़ा दूर से दिखाना, यहाँ पे ये ब्लूटूथ मॉड्यूल हम लोग का कनेक्ट हो चुका है इसके अंदर। एंड इसको तो अब यहाँ पे भैया कुछ ना कुछ तो बजा के देखते हैं, कोई सा भी एक वीडियो, इस कौन सा वीडियो है। तो गाइस ये मेरा ही एक वीडियो है, तो गाइस क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब आ रही है। एक मिनट, तो गाइस क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब आ रही है क्योंकि ये जो पन्नी है वो फटी हुई है और जो मैग्नेट है वो मैंने सेंटर में नहीं लगा पाया मैं तो इसके लिए। देखो तो अब इसके आवाज़ को प्यूरीफाई करने के लिए, आई मीन थोड़ा सा साफ करने के लिए हम लोग यूज़ में लेंगे इस बड़े मैग्नेट का, क्योंकि वो छोटा मैग्नेट का मैग्नेटिक फील थोड़ा सा कम था और उसको मैं मिड में लगा भी नहीं पाया था। तो इसको मैं इस तरीके से लगा दूंगा यहाँ पे, एंड अब देखना मैजिक, ठीक है। इसको करते हैं यहाँ पे और फिर अब देखो मैजिक। तो एज अ फर्स्ट टाइम था, एक मिनट इसको कम करता हूँ भाई, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है वैसे तो, सॉन्ग होम पेज भी नहीं आ रहा गाइज। तो गाइज क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मस्त हो गई है यार आवाज़ को एडजस्ट करने पे, एंड मेरे को बिलीव नहीं हो रहा अभी तक कि इस तरीके से काम करेगी। तो गाइज यार ये होममेड स्पीकर है, थोड़ा सा दूर दूर से दिखाना, नीचे नीचे से इसको इसको निकाल लो, हाँ नीचे से दिखाओ, पास से दिखाओ पब्लिक को। गाइज देखो इसका जो पन्नी है वो किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर कुछ थर्मोकोल वगैरह डालना, सुनिए कहाना इधर इधर से थर्मोकोल उठा के डालना, आराम से आराम, हाँ तोड़ो तोड़ो थर्मोकोल तोड़ो, तुम फोड़ के डालो। तो गाइस ये थर्मोकोल ले आया हूँ मैं, और भाई देखो देखो भाई उड़ गया फट गया। तो गाइस यहाँ पे देखो इसके वाइब्रेशन से उड़ रहा है, ठीक है। देखो अब दूसरा सॉन्ग प्ले करते हैं, ये माइक है हम लोगों का, स्किप करो यार ऐड तो ऐसे भोजपुरी सॉन्ग प्ले हो गया कोई सा अरे 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 क्यों है? देखो स्मोक निकलने लगा, पावर शायद से ज्यादा हो गई और गाइस ये जो हम लोग का मेथड है वो सही हो काम कर रहा है, बट अब ये खराब होने वाला स्पीकर, काफी ज्यादा पावर हो गई और इसके अंदर से स्मोक निकल रहा है। अब पर्दा फटने के बाद भी ये जो है ये जो चीज है वो परफेक्ट है। अबे ये पिघल रहा है गाइस, पन्नी पिघल गई इसकी, सो गाइस अभी तक बज रहा है, अभी तक बज रहा है, ठीक है। अब हो गया फाइनली इसका ऐसा के तैसा, और आप लोग एक बार देख लो ये पास से, इसके जो कॉपर का कॉइल का ये है वो काफी ज्यादा खराब हो चुका है स्थिति, अभी भी साउंड आ रही है, ठीक है। तो कॉपर कॉइल जो है आप लोग को थोड़ी सी मोटी रखनी है, एंड फेविक थोड़ा ज्यादा डालना है, ठीक है। वो थोड़ा सा कम हो गया जल्दी जल्दी के चक्कर में, बाकी हम लोग की जो चीज़ है वो एक नंबर काम करी। और अगर आप लोग का कॉमेंट आता है तो मैं बड़े लेवल पर इसको बना सकता हूँ एंड आप लोग को सिखा सकता हूँ दिखा सकता हूँ। तो वीडियो के लिए प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।